हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीटेट टारगेट के हमारे नेक्स्ट पार्ट को करेंगे, जिसमें कि हम सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कर रहे हैं। आप चाहे कोई भी टेट दे रहे हैं, आपने चाहे सीटेट के लिए अप्लाई किया है या एसटेट के लिए, एमपीटेट के लिए या सुपर टेट के लिए या यूपीटेट के लिए, फ्रेंड्स आपके हर टेट एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं, क्योंकि ये सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर बार बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहेगी। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, हु सेड दिस? मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह किसने कहा है वो हमें बताना है। साइकोलॉजी को पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर किसने कहा है उसका हमें बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, ए है हमारे वाटसन, ऑप्शन बी है मन, ऑप्शन सी है कार्ल पियर्सन और ऑप्शन डी है वुडवर्थ। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाटसन जो है इन्होंने ही ये बोला है कि साइकोलॉजी जो है वो पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस, हु सेड दिस? फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं आपके, उनको आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इंक्लूड किया है जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभवों का विज्ञान है, यह किसने कहा है? वाटसन ने मनोविज्ञान को सकारात्मक साइंस कहा है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभवों का विज्ञान है, ये डेफिनेशन किसने दी है, किसने कहा है? तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है वाटसन, ऑप्शन बी है थार्नडाइक, ऑप्शन सी है मन, ऑप्शन डी है स्कीनर। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा स्कीनर। स्कीनर ने कहा है क्योंकि स्कीनर एक व्यवहारवादी है। ठीक है, इन्होंने व्यवहारवाद में बहुत योगदान दिया है साइकोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशनल साइकोलॉजी की फील्ड में सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिकल पर फोकस किया गया है वो स्कीनर के द्वारा किया गया है। और इन्होंने क्या कहा, देखिए, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान कहा है मनोविज्ञान को। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्कीनर, ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, साइकोलॉजी टुडे कंसर्न्स इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर, हु सेड दिस? आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, यह किसने कहा है? ऑप्शंस देखिए, वाटसन, ऑप्शन बी है थार्नडाइक, ऑप्शन सी है मन, ऑप्शन डी है स्कीनर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मन के द्वारा कहा गया है कि जो आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध है वह व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, इनके द्वारा ही ये स्टेटमेंट कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, ए है मन, मन की तो डेफिनेशन हमारी होगी, उन्होंने खोज से रिलेटेड कथन दिया। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारी क्रो एंड क्रो, मन हमारी कट चुकी है, स्कीनर हमारी कट चुकी है, क्योंकि स्कीनर ने तो मनोविज्ञान में व्यवहार और अनुभव पर ज्यादा बल दिया है, तो इनका ये कथन नहीं है, कट जाएगा। थार्नडाइक का भी नहीं है, ये भी हमारी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगी, तो ऑप्शन बी बचती है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका कथन है ये, क्रो एंड क्रो का, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर, हु सेड दिस? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह किसने कहा है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए, ए है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी है मैकडूगल, ऑप्शन सी है थार्नडाइक, ऑप्शन डी है वाटसन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकडूगल के द्वारा ये कहा गया है कि जो मनोविज्ञान है वह आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, साइकोलॉजी जो है वो पॉजिटिव साइंस है, किसका? ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट, हु सेड दिस? किसने कहा है, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है, यह किसके द्वारा कहा गया वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, ए है हमारी वुडवर्थ, ऑप्शन बी है स्कीनर, ऑप्शन सी है पियाजे,
ऑप्शन डी है वाटसन। फ्रेंड्स देखिए, आप जब भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, सबसे पहले आप ऑप्शंस को रिलेट करके देखना क्वेश्चन से, उसमें जो आपकी फिट नहीं बैठती है उनको कट करते जाना, जो ऑप्शन आपकी बस जाती है समझ लीजिए वही आपका राइट आंसर है। ये एक ट्रिक होती है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने की। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है, ठीक है ना। साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू एनवायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए वातावरण से रिलेटेड चीज है, और जो वुडवर्ड थे हमारे वो वातावरण से नेचर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ज्यादातर इन्होंने ही दी है, ठीक है ना। फ्रेंड्स एक बार ऑप्शंस को देखिए, स्किनर और जो वाटसन है इन्होंने तो व्यवहार और अनुभव पर ज्यादा फोकस किया है, ठीक है ना। पियाजे का हो गया संज्ञानात्मक विकास, तो यहाँ पर हमारी एक ही ऑप्शन बचती है वुडवर्थ की, जो प्रकृति से रिलेटेड है वातावरण से रिलेटेड है वो ज्यादा योगदान दिया है वुडवर्थ ने, तो हमारी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। इस तरह से आप आंसर की तरफ डायरेक्ट जा सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ऑल द कोर ऑफ हेवन एंड फर्नीचर ऑफ अर्थ कम अंडर द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, हु सेड दिस। आकाश और धरती की सभी वस्तुएं मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं, यह किसने कहा है। फ्रेंड्स ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, विलियम्स जेम्स का कथन है ये कि जो धरती और आकाश की सारी वस्तुएं हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिचुएशंस, हु सेड दिस। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है, यह किसने कहा है। मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा शिक्षा मनोविज्ञान का, वो हमें बताना, और कहां पर करता है ये शिक्षा संस्थानों के, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ए हमारा क्रो एंड क्रो, बी है हमारा ट्रो, सी है हमारे स्टीफन, ऑप्शन डी है थार्नडाइक, ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी ट्रो, ठीक है। जो ट्रो है इन्होंने ही ये डेफिनेशन दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है, ठीक है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो स्टडी है किस चीज की, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिचुएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशन साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग, हु सेड दिस। शिक्षा जो मनोविज्ञान है विज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने के साथ संबंधित है, यह किसने कहा है वो हमें बताना है। देखिए एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो विज्ञान की ऐसी ब्रांच इसने बताई है जो शिक्षण और सीखने के साथ, ठीक है, संबंधित है, जो डील्स करती है टीचिंग और लर्निंग के साथ। तो किसने कहा है ये, ऑप्शंस देखिए, ए स्किनर, बी पियाजे, सी वाइगोर्स्की, और ऑप्शन डी है विलियम जेम्स। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, स्किनर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने के साथ संबंधित है, मतलब टीचिंग और लर्निंग दोनों के साथ डील करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइंस की ऐसी ब्रांच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हु सेड दिस। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं, यह किसने कहा है, ठीक है। इसे एक सिस्टेमेटिक स्टडी कहा गया है एजुकेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट की, एजुकेशनल साइकोलॉजी को किसने कहा वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, ए है जुड, बी स्टीफन्स, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी है ट्रो। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टीफन के द्वारा ये कहा गया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक सिस्टेमेटिक स्टडी है जो कि एजुकेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट का अध्ययन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी रिप्रेजेंट्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिकली डिराइव्ड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिएक्शंस दैट अफेक्ट टीचिंग एंड लर्निंग। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं, यह किसने कहा है वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, ए स्किनर, ऑप्शन बी है जे बी वाटसन, ऑप्शन सी है एलिस क्रो, ऑप्शन डी है सारे।
तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिस क्रो ने ही ये कहा है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो रिप्रेजेंट करती है एप्लीकेशंस को साइंटिफिकली तरीके से, जो कि टीचिंग और लर्निंग को इफेक्टिवली तरीके से प्रभावित करते हैं। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से साइंटिफिक तरीके से प्राप्त किए जाने वाले मानव की जो रिएक्शंस है ह्यूमन की उन प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो कि शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। फ्रेंड्स आज हमने जो डेफिनेशंस ली हैं अक्सर पूछ ली जाती हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं आपकी, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ से 2-3 नंबर के जो भी क्वेश्चन आते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड वो आपके कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द पास्ट हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज हिज प्रेजेंट स्टेटस देन इट इज, किसी व्यक्ति का विगत इतिहास और वर्तमान स्थिति के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है एनेक्डोटल रिकॉर्ड यानी कि घटनावृत्त, ऑप्शन बी है केस स्टडी, ऑप्शन सी है पोर्टफोलियो, ऑप्शन डी है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड यानी संचित अभिलेख। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए किसके बारे में पूछा है, व्यक्ति के बारे में पूछा है कि जो उसकी विगत हिस्ट्री है, जो उसकी पास हिस्ट्री है किसी भी व्यक्ति की, ठीक है। तो व्यक्ति से रिलेटेड हमारा केस स्टडी ही होता है, ठीक है ना। तो हमारी ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगी क्योंकि व्यक्ति अध्ययन ही वह अध्ययन होता है जिसमें किसी व्यक्ति का हम पास्ट की उसकी हिस्ट्री और उसके प्रेजेंट के स्टेटस इन दोनों का अध्ययन करते हैं, दोनों की स्टडी करते हैं, वो हमारा केस स्टडी के अंतर्गत आ जाता है। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी रिलेटेड टू, मनोविज्ञान का संरचनात्मक उपागम किस से संबंधित है, हमें बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए आप, फर्स्ट है हमारी वुंड, ऑप्शन बी है विलियम जेम्स, ऑप्शन सी है गेस्टाल्टिस्ट एंड ऑप्शन डी है जेबी वाटसन। तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी, वुंड, ठीक है। वुंड से संबंधित है मनोविज्ञान का संरचनात्मक उपागम। साइकोलॉजी की जो स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच है वह वुंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशनलिस्ट अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू, मनोविज्ञान का प्रकार्यवादी उपागम किस से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, विलियम जेम्स से संबंधित है, क्योंकि फ्रेंड्स साइकोलॉजी की जो फंक्शनलिस्ट अप्रोच है, प्रकार्यवादी उपागम है, वो हमारा विलियम जेम्स से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू, मनोविज्ञान की संज्ञानात्मक जो अप्रोच है, उपागम, संज्ञानवादी उपागम, वो किस से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ए है वुंड, ऑप्शन बी है वर्डिमर और कोहलर, ऑप्शन सी है थार्नडाइक, ऑप्शन डी है जेबी वाटसन। फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, वर्डिमर एंड कोहलर, ठीक है। जो वर्डिमर और कोहलर हैं, इन्होंने ही कॉग्निटिव अप्रोच को दिया है साइकोलॉजी में, ठीक है। साइकोलॉजी की जो कॉग्निटिव अप्रोच है, मनोविज्ञान का संज्ञानवादी उपागम है, किससे संबंधित हो जाएगा। कॉग्निटिव अप्रोच किससे संबंधित हो जाएगी, वर्डिमर एंड कोहलर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु हैड यूज्ड द एक्सपेरिमेंटल मेथड फर्स्टली, यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट था इसलिए हमने इसको करेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा, सबसे पहले प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किसने किया है, ठीक है। प्रयोगात्मक विधि के बारे में पूछा है, एक्सपेरिमेंटल मेथड का सबसे पहले यूज किसने किया है। तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, जो विलियम वुंड है, इन्होंने ही सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, व्हेन द नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया एस्टेब्लिश्ड, कब हुई थी स्थापना इसकी, भारत में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना कब हुई थी वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड इन, भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, 1924 में। ये दोनों ही फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है भारत में नेशनल अकेडमी पूछी गई यहाँ पर ऑफ साइकोलॉजी की, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना के बारे में पूछा गया। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही क्वेश्चन देखने में एक जैसे लगते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए हमने दोनों को ही आप लोगों को करा दिया है यहाँ पर, इनको अच्छे से कर लीजिएगा।
फ्रेंड्स, आप लोगों ने चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, चाहे आपने केवीएस में अप्लाई किया है, चाहे आपने डी ट्रिपल एस बी में अप्लाई किया है या फिर एनवीएस में अप्लाई किया है, यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम में काम आने वाले हैं। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही हम आप लोगों को करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी एस्टेब्लिश्ड एट, कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हुई थी, पहली मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है उसको कहाँ पर सेटअप किया गया था वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, ए है कनाडा, ऑप्शन बी है लैब्जिस, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, लैब्जिस। ठीक है, यहाँ पर ये सबसे पहले लैब की स्थापना की गई थी, जो साइकोलॉजी की लैब है पहली बार यहाँ पर एस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वेयर डिड विलियम जेम्स स्टार्ट हिज लेबोरेटरी, विलियम जेम्स ने अपनी प्रयोगशाला को कहाँ पर शुरू किया था। ठीक है, वो जगह हमें बतानी है। ऑप्शन ए है हमारी लैब्जिंग, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है मैसाचुसेट्स और ऑप्शन डी है नन। फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, जो मैसाचुसेट्स है यहाँ पर सबसे पहले विलियम जेम्स ने अपनी लेबोरेटरी को स्टार्ट किया था। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे, एज इट इज आपका सीटेट का एग्जाम होता है, ये आपका प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा। आप लोगों ने अब तक जितने भी अपनी प्रिपरेशन की है फ्रेंड्स, इस टेस्ट के जरिए आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक नोटबुक अपने पास लेकर बैठनी होगी और जो भी ऑप्शंस आपकी राइट निकलती हैं, अपनी ऑप्शंस को आप नोट डाउन करते जाएगा। फ्रेंड्स, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका मॉक टेस्ट इसी पर्पज के लिए हमने आज रखा है, ताकि आपकी सही से प्रैक्टिस हो सके और आप लोग खुद को जांच सके कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। हमारा फर्स्ट सेक्शन रहेगा बाल विकास यानी सीडीपी आपका, और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। यहाँ पर शामिल चिंतन प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है, क्या कहा जाता है इसे। तो फ्रेंड्स, चिंतन प्रक्रिया और निर्णय से संबंधित कोहलबर्ग हमारे जो दार्शनिक हैं, इनके विचार हैं और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। राइट ऑप्शन हमारी सी हो जाएगी। ठीक है, नैतिक तर्कना, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल जो चिंतन प्रक्रिया होती है उसको नैतिक तर्कना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है, जो व्यापक मूल्यांकन है वो हमें बताना ये क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, ऑप्शंस देखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग ऑप्शंस रीड कर चुके होंगे तो ऑप्शंस को आप फटाफट रीड कर लीजिएगा। आंसर्स की ट्रिक मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताई रखी है, कैसे रिलेट करना है आपको, कैसे कट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी हमारी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, जो ये व्यापक मूल्यांकन होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत, इसका मतलब होता है कि आपका जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है और जो भावनात्मक क्षेत्र होता है, जो मनोगत्यात्मक क्षेत्र होता है, उन के मूल्यांकन से इसका तात्पर्य होता है। विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है, यह उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है, किस चीज का एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स ने मैथ की अपनी क्लास में कोई चीज सीखी है, एक कंसेप्ट सीखा है, ठीक है, और इसका उपयोग वह भूगोल की कक्षा में करता है, तो आपको ये एग्जाम्पल बताना है किस टाइप का है। देखिए, हमारी ऑप्शंस यहाँ पर आप लोगों ने रीड कर ली होंगी, तो ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, सकारात्मक अंतरण का है, क्योंकि नेगेटिव तो ये हो ही नहीं सकता और शून्य भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो नॉलेज है उसका ट्रांसफर हुआ है, तो शून्य अंतरण का भी नहीं है, और नन वाली ऑप्शन तो आपकी वैसे ही कट जाएगी, क्योंकि हमारी ऑप्शन ए करेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है, मतलब सबसे जो एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है वो आपको सिलेक्ट करनी है, जो कि आपकी किशोरों के संदर्भ में एडोलसेंस के रिगार्डिंग है। ठीक है, ऑप्शंस आप लोग चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन ए हमारी चिंतन का मुहूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, ऑप्शन बी है आपकी बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि, ऑप्शन सी है संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना घट जाती है, और ऑप्शन डी है पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि संवेगात्मक प्रोत्थान की जो घटनाएं होती हैं वो एडोलसेंस में बढ़ने लग जाती है, किशोर अवस्था के दौरान संवेगात्मक प्रोत्थान में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है क्या है, वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए है कठोर अनुशासन बना
बनाए रखना, बी आपके विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, डी आपका यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। ठीक है, एक शिक्षक की सबसे मुख्य जो जिम्मेदारी होती है, सबसे मुख्य जो दायित्व होता है वो यही होता है कि वो अपनी जो उसकी टीचिंग मेथड्स हैं, उसके टीचिंग स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार किसके द्वारा रखा गया वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे ने ही इस विचार को दिया है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह उसे क्या करना चाहिए, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करनी है। तो उसे क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी, विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दे। कक्षा में प्रभावी अनुशासन को बनाए रखने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम देकर कहें कि आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसे कक्षा में अनुशासन भी बना रहेगा और बच्चे कुछ अच्छा सीख पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो तब आप उसे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे, ये आपको बताना है। ऑप्शंस यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे वाली पंक्ति में उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा के अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब उसको हम सबसे फर्स्ट वाली पंक्ति में उसकी बैठने की हम व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा के अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विकास पर अनुवांशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, किस पर पूछा गया। देखिए, विकास पर अनुवांशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन बताना है आपको, कौन सी स्टेटमेंट से हो सकता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस आप लोगों ने रीड कर ली होंगी, ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, अनुवांशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है, क्या इशारा करता है। ऑप्शन आप लोग फटाफट देखिएगा फ्रेंड्स और फटाफट अपना आंसर लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर ये इशारा करता है, क्योंकि देखिए टीचर सेंटर्ड शिक्षा में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बच्चों को सिखाएं और बच्चों से ही सीखें। ठीक है, क्योंकि वहां पर टीचर का मेन रोल रहता है। और ऑप्शन सी आपकी मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर, तो यहाँ पर बच्चों से सीखने की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पर मूल्यांकन का कोई काम नहीं है। ऑप्शन डी है परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर। तो फ्रेंड्स एग्जाम्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट में कुछ ऐसा कहा ही नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा किया गया है इस स्टेटमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उच्च प्राथमिक स्तर पर किस चीज की आवश्यकता है वो आप यहाँ पर ऑप्शंस में देखिएगा। ऑप्शन ए है शैक्षिक एवं कैरियर निर्देशन की आवश्यकता होती है, बी है शैक्षिक कैरियर एवं व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता है, सी है हमारी केवल कैरियर निर्देशन की आवश्यकता है, ऑप्शन डी है केवल शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को ये पहले ही बताया हुआ है, जहां पर भी केवल आएगा वो ऑप्शन आपकी कट जाएगी, ऑलवेज रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में अक्सर ये होता है जो केवल वाली ऑप्शन होती है वो आपकी रॉन्ग ही होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी दो बच गई हैं और यहाँ पर देखिए शैक्षिक और कैरियर निर्देशन की आवश्यकता है, उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शैक्षिक कैरियर और व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट भी रिलेट नहीं करे तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है, कौन सा तरीका वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि सिर्फ उपदेश देकर हम बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, तो ये आपका निर्णय ये नैतिक मूल्य से रिलेट नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन सी है शिक्षकों व बड़ों के द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, ये ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं और जो भी बड़े होते हैं एल्डर्स होते हैं, अगर वो नैतिक मूल्यों को खुद ही प्रदर्शित करेंगे, मतलब अच्छे काम खुद करके दिखाएंगे, तो बच्चे खुद ही नैतिकता को सीख जाएंगे, क्योंकि
उनके सामने जो चीज प्रस्तुत होती है उसका उनके ऊपर डायरेक्ट प्रभाव होता है, बच्चे पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है उसके शिक्षकों का और उसके अपने बड़ों का। तो फ्रेंड्स, शिक्षकों और बड़ों के द्वारा नैतिक मूल्य अगर प्रदर्शित किए जाते हैं तो ऐसे में बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, ठीक है, वो 5 हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, खेल के कालांश में खेल का पीरियड आपका, तो उन्हें क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस देखिएगा, एक कोने में बैठाना चाहिए, ये आपकी शुरू में ही कट जाएगी क्योंकि एक कोने में अगर बैठाएंगे तो उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, तो एक कोने में बैठाना ये सरासर पार्शियलिटी हो जाएगी, ठीक है, उनके साथ बिल्कुल हीनता का व्यवहार हो जाएगा, कट जाएगी ऑप्शन आपकी। ऑप्शन बी, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ये ऑप्शन आपकी राइट हो जाएगी, ठीक है। और बाकी के ऑप्शंस भी देखिए, यहाँ पर केवल आ गया आपका, और आंतरिक केवल एक ही चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको परमिशन देनी चाहिए, ये भी आपकी कट जाएगी। और कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए, तो जोर डालना भी फ्रेंड्स ये आपकी राइट ऑप्शन कभी नहीं हो सकती क्योंकि किसी को भी हम प्रेशराइज करके कोई काम नहीं करा सकते। हमारी जो लोकतांत्रिक शिक्षा पद्धति है उसमें रुचि के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए ही हम अपनी किसी भी टीचिंग एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपकी कट जाएगी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है वो आपको बताना है। देखिएगा, आपको जीन पियाजे आपने थ्योरी में अच्छे से किया होगा, फ्रेंड्स हमने भी आप लोगों को बहुत अच्छे से इसे समझाया है, तो इसका आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा, आत्मसातकरण और व्यवस्थापन, ठीक है, इनके द्वारा ही अनुकूलन अच्छे से होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सृजनवाद में, तो सृजनवाद में क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टिव होता है, जो कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन होती है उसमें क्या होता है? देखिए, ऑप्शन सी हमारी यहाँ राइट हो जाएगी, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, ठीक है, शिक्षक केंद्रित तो आपकी ऑप्शन कभी भी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि ये सिर्फ पुराने जमाने की बात रह गई, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जाता है जो कि लोकतांत्रिक पद्धति से होती है, ठीक है, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, यहाँ पर टीचर सेंटर्ड जो भी आपको ऑप्शन मिलेगी वो हमेशा आप कट कर दीजिएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है क्योंकि बच्चों को कोई भी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी दे दी जाती है और उनकी सृजनात्मकता को इसमें प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। एक अच्छे चरित्र निर्माण के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कक्षा कक्ष की जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं क्लासरूम की, वो इस प्रकार से करनी होंगी कि बच्चों को चरित्र निर्माण में उसे हेल्प मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से होगा वो आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए तो इसे कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जब बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए तो ये भी आपका ऑप्शन रिलेट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर उसके संवेगात्मक विकास के बारे में और सामाजिक विकास के बारे में पूछा गया, ना कि रिजल्ट के बारे में। तो ऑप्शन सी भी कट गई हमारी, ऑप्शन बी भी कट गई, ठीक है। ऑप्शन डी है, जब बच्चे को उसके बौद्धिक स्तर के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, ठीक है, ये ऑप्शन भी आपकी रिलेट नहीं करी क्योंकि सिर्फ पढ़ाने से बच्चे का सामाजिक विकास कैसे हो पाएगा और संवेगात्मक विकास कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, तो यहाँ पर बच्चे का जो फीलिंग्स है और जो उसका सोशल डेवलपमेंट है वो दोनों ही विकसित होते हैं, ठीक है, उसका संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से हो पाएगा अगर बच्चे को हम महत्वपूर्ण मानकर उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? तो फ्रेंड्स देखिए, सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी वो हमें बतानी है। यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं, सीखने के लिए सीमित अवसर, ऑप्शन आपकी कट जाएगी क्योंकि लिमिट जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनसे सृजनात्मकता को कोई हेल्प नहीं मिल सकती, ठीक है। ऑप्शन बी है आपकी, बच्चों को उत्तर याद करने के लिए, तो उत्तर याद करके उसकी कंस्ट्रक्टिविटी बढ़ ही नहीं सकती, ऑप्शन ये भी हमारी कट जाएगी। ऑप्शन सी, किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए, तो ये ऑप्शन आपकी रिलेट ही नहीं कर रही। ऑप्शन डी है हमारी, जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं, तो ये ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी क्योंकि सृजनात्मकता को बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो फ्रेंड्स, सृजनात्मकता तभी बढ़ सकती है, तभी इंक्रीज होगी जब बच्चों को कोई भी कार्य स्वयं करके सीखने के लिए उनको अधिक से अधिक हम अवसर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है वो आपको बताना है।
तो यहाँ पर देखिए गतिविधि आधारित शिक्षण की बात की गई, यानी जो आपका एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, खेलने या अनुशासित कक्षा या फिर निश्चित अवधि में गतिविधि को पूरा करना, ये तीनों ही ऑप्शन आपकी रोंग हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आपको गतिविधि आधारित शिक्षण के बारे में बताना है, यहाँ पर केवल खेलने से संबंधित नहीं है, ठीक है। ना ही हमें कंट्रोल्ड क्लासरूम चाहिए कि अनुशासन है, डिसिप्लिन है, क्योंकि गतिविधि आधारित शिक्षण में गतिविधि होगी तो वहां पर अनुशासित कक्षा का पॉसिबल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, सभी विद्यार्थियों की जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, जो उनका सक्रिय भागीदारीता है, वो उस पर बल देता है गतिविधि आधारित शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राज्य स्तर पर कक्षा एक से लेकर आठवीं तक की जो पाठ्यचर्या होती है उसका निर्माण कौन करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर SCERT, जो SCERT ये संस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये राज्य स्तर पर एक से लेकर आठवीं कक्षा तक की पाठ्यचर्या का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, आप क्या करेंगे। ऑप्शंस में देखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है आप पृथक बैठक व्यवस्था करने हेतु सहमत हो जाएंगे, ऑप्शन बी है आप उच्च अधिकारियों से निर्देशन प्राप्त करेंगे, ऑप्शन सी है आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे, ऑप्शन डी है आप विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाना बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स पूछा क्या गया है, देखिए मध्याह्न भोजन के दौरान, ठीक है, उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक लाइन में भोजन करने से इनकार कर देते हैं, मतलब उनके साथ बैठकर भोजन करने से इनकार करते हैं, तो आप क्या करेंगे। एज ए टीचर आपको सोचना है आप क्या करेंगे। देखिए आप पृथक बैठक व्यवस्था करने हेतु सहमत हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स दोनों को अलग अलग करेंगे तो उनमें डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग हो जाएगी, ठीक है, जातिगत भेदभाव को आप बढ़ावा दे रहे हैं, ये गलत ऑप्शन हो जाएगी, ठीक है। आप उच्च अधिकारियों से निर्देशन प्राप्त करेंगे, तो आप टीचर होकर इतनी सी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाते, तो ये आपकी योग्यता पर प्रश्न लगाता है, ठीक है, आप उनके निर्देशन के बगैर खुद ही सोल्व करेंगे। ऑप्शन सी है आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। फ्रेंड्स ये हमारी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हम पकाना तो बंद कर नहीं सकते, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम विद्यार्थियों को ही एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए एग्री कर लेंगे, उनको सहमत कर लेंगे। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान में मोनिका की समप्राप्ति अच्छी है किंतु गणित में खराब है, इसका प्रमुख संभाव्य कारण क्या हो सकता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स और सही आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप क्या है, बालिकाएं प्राय गणित में कमजोर होती है, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन तो आपकी लेंगे पक्षपात को बढ़ावा देने वाली है, ये आपकी वैसे ही कट जाएगी, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाने वाली आपकी ऑप्शन है, ठीक है। और किसी के बारे में हम ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि ये बच्चे कि बॉयज इस चीज में कम होते हैं या गर्ल्स इस चीज में ज्यादा होती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपकी कट जाएगी। ऑप्शन बी है मोनिका के माता पिता अशिक्षित हैं, तो यहाँ पर देखिए माता पिता अशिक्षित है लेकिन वो तो स्कूल में टीचर से पढ़ रही है, तो फिर टीचर उसको क्या पढ़ा रहा है, माता पिता अशिक्षित है, मान लीजिए उसको मैथ नहीं करा पाते हैं लेकिन बच्चे स्कूल में तो समझ रही है ना, तो उसको समझ में आना चाहिए, प्रॉब्लम तो समझने में है ना कि उसको वो चीज समझ में नहीं आ रही, क्योंकि यही कारण हो सकता है। क्योंकि अगर वो कमजोर स्टूडेंट है, उसकी कुछ समझ में ही नहीं आता, तो वो विज्ञान में भी फेलियर होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ गणित में उसको खराब बताया गया, विज्ञान में वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है, तो यहाँ पर उसका जो संभावना का कारण है ये हो सकता है कि वो गणित का उसका जो शिक्षण है वो प्रभावी नहीं है, जो उनका मैथ का टीचर है उसको अपने टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि उसकी शिक्षण पद्धति प्रभावी नहीं है, इसी वजह से मोनिका जैसी इंटेलिजेंट बच्चे जो कि साइंस में इंटेलिजेंट है, अच्छी संप्राप्ति वो दे रही है, अच्छा रिजल्ट दे रही है, तो वो मैथ में भी दे सकती है, लेकिन मैथ की टीचिंग उनकी इफेक्टिव नहीं है, यही एक वजह हो सकती है। क्योंकि गणित कठिन विषय है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होती, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाती है जहां पर ग्रामवासी अशिक्षित हैं तथा विद्यालय भवन एवं पेयजल का भी अभाव है, गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा
बाधा है, कौन सी सबसे बड़ी बाधा है वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव। क्योंकि देखिए एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की गई है, ठीक है, वहां पर ग्रामवासी अशिक्षित हैं और विद्यालय भवन और पेयजल का भी अभाव है। दोनों चीजों का तो अभाव है ही, विद्यालय भवन का भी और पेयजल का भी। तो गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा है, कौन सी सबसे बड़ी बाधा है? तो इसलिए फ्रेंड्स हमारा समस्या समाधान के लिए जो प्रेरणा का अभाव है ये हमारी राइट ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन देखिए, ए है अधिगम में निर्धारण, बी है अधिगम का निर्धारण, ऑप्शन सी अधिगम के लिए निर्धारण, ऑप्शन डी अधिगम के साथ साथ निर्धारण। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, अधिगम के लिए निर्धारण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पांचवी कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों के द्वारा की गई त्रुटि को का संकेत माना जाना चाहिए, किसका संकेत माना जाना चाहिए ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करनी है। ऑप्शन देखिए, उनके अधिगम कुशलता में कमी, उनका अधिगम रचना, उनकी अधिगम अक्षमताएं, या फिर अधिगम के प्रति उनकी अबोधता। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, उनकी अधिगम की रचना, ठीक है। पांचवी कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों के द्वारा की गई त्रुटि को उनके अधिगम रचना का संकेत माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है, किसके लिए है ये आपको बताना है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, अक्सर पूछा जाता है, आपके सेकंड पेपर में भी इसे पूछा गया है और फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है, ठीक है। विज्ञान और कला की जो प्रदर्शनियां है, संगीत और नृत्य कला की जो प्रस्तुतियां है तथा विद्यालय पत्रिका निकालना, ये सब शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि विद्यालय का नाम रोशन करने से इसका संबंध नहीं है, ऑप्शन ये हमारी कट जानी है। वैसे ही अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए भी नहीं होती है और विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने से इन चीजों का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कला प्रदर्शनी है, संगीत और नृत्य प्रस्तुतियां है और विद्यालय पत्रिका के बारे में बात की जा रही है, तो ये सीधा सृजनात्मकता से संबंधित होती है। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स किसके ओर संकेत करती है ये हमें बताना है। समावेशी शिक्षा के बारे में पूछा गया है कि उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है, कौन सी की ओर करती है? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, ठीक है। इन सब बच्चों को अगर वह शामिल करती है तो ऐसे विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था की ओर ये समावेशी शिक्षा संकेत करती है, जहाँ पर बच्चों को किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना ही सभी बच्चों को शामिल किया जाता है, ठीक है। उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बिना ही एक साथ उनको सम्मिलित किया जाता है, ये हमारी समावेशी शिक्षा हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। आपका सीडीपी का फर्स्ट सेक्शन हमने आज कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी, हमने आरके लर्निंग एकेडमी का ऑफिशियल फेसबुक पेज ये क्रिएट किया है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज देखेंगे, जैसे कि आपके कोर्सेज हैं टीजीटी का, पीआरटी का या पीजीटी का, आपके टीचिंग के रिगार्डिंग जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और जो कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी उस सब को भी आप देख पाएंगे। वैकेंसीज के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी ऑल ओवर इंडिया से सबसे पहले आपको यहाँ इस ऑफिशियल फेसबुक के पेज पर देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स आप देखिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसे ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट हैं, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर उनको डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपके डाउट के लिए अलग से सेक्शन रखा गया है, आप डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमारे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स जैसे ही आपके एग्जाम नजदीक आएंगे तो आपको टेस्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आप लोगों के लाइव टेस्ट यहाँ रखे जाएंगे। मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर मिलेंगे। और फ्रेंड्स ऑफिशियल पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।